अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आप सबका। तो जी आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। बहुत इजी सी रेसिपी है और मज़ेदार सी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें जी, इस तरह मैंने ले लिया गाजरें। ये देखें किस तरह रेड फ्रेश है। अब इनको जी छील लेंगे, इनका छिलका उतार लेंगे सबका। ये देखें जी, मैंने सबका छिलका उतार लिया। अब इसको धो लेंगे। ये जी मैंने सारी अच्छी तरह से धो ली हैं और अब इनको एक टोकरी में डाला है। अब इनको कर लेंगे जी कद्दूकश। इस तरह से ये मैं मशीन से कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी काट सकते हैं, हाथ वाला जो होता है। ये देखें जी, हमारे गाजरें हो गई हैं। ये जी गाजरों को मैंने एक पतीले में डाल दिया है और अब इसको चूल्हे पर रख देंगे। मैं ये लकड़ियों वाला देसी चूल्हे पे बना रही हूँ, आप गैस वाले पे भी बना सकते हैं। ये जी मैंने पतीला रख दिया है ऊपर और ये है जी हमारी गाजरें। गाजरों को अच्छी तरह से स्टीम कर लेना है पहले, यानी कि इन्हों चंगी तरह गालना वा पहले, एडा भी नहीं। ये जी मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था, अब थोड़ी देर बाद उठाया है तो ये देखें जी इसका वो गाजरें कम हो गई हैं अब थोड़ी और, क्योंकि इसे स्टीम हुई हैं। और अब इसमें मैंने डाल दिया दूध, ये मैंने फ्रीज किया हुआ दूध डाला, आप दूसरा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाली जी एक चमचा घी और कर ले जी घी इसको मिक्स। और जी अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी दो चम्मच मैंने चीनी डाल दी है। और ये देखें जी पानी बिल्कुल हमारा खुश्क हो गया है। और जी अब हम इसमें डालेंगे जी किशमिश और कोकोनट और बादाम भी छोटे पीसीस में काट, यानी काट के उनको दरमियान में से। और ये जी मेरे पास खोया है, अब इसको मैश कर लेंगे। ये जी मैंने इसको कर लिया है मैश। अब मैं इसमें डालूंगी पांच अंडे। अंडे डाल के उनको मिक्स कर लिया है और अब इसको डालेंगे जी इसमें गाजरों में। और कर लेंगे जी इसको अच्छी तरह से मिक्स। और अब मैंने इसमें डाल लिया जी खोया साथ में। अभी भी मैंने हल्की आंच पे चूल्हा चलाया हुआ है। और ये जी मैं इसमें डाल रही हूँ जी कोकोनट, बादाम और किशमिश। और इसको कर देंगे जी अच्छी तरह से मिक्स। और फिर ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा इजी सा गाजर का हलवा हो गया तैयार। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक तुम ऐ खाओ तो मौजा मारो। अल्लाह हाफिज़।